भाऊजी ये बताइए कब से ये काम कर रहे हैं? हमें होगी 30 साल। 30 साल? तो पहले जो आप मिट्टी के ये दिए बनाते थे और तब के मिट्टी के दिए बनाने में और अब के दिए बनाने में कितना अंतर आ गया? बहुत अंतर हो गया साइज में। पहले ये दिए जो आप बनाते थे तो कितने पूर्ति नहीं हो पाती थी दीपावली, और अब जो है पूरे बिचते नहीं है। अच्छा, क्योंकि सब रेडीमेड माल पहना का माल चलने लगा, मोमबत्ती चलने लगी, इसलिए जो है पूरे नहीं बिच पा रहे, मजदूरी नहीं पूरी मिल पा रही। कितने दिए बना लेते हैं एक दिन में? 1000 बना पाते होंगे मुश्किल से, इसमें कम से कम 3 लोग लगते, 4 लोग लगते हैं, और वो दिए अब जो है थोक में 400 रुपये हो जाते हैं और फटोकर में 600 रुपये, इतना हो पाता है। क्या ऐसा लगता है कि अब जो आप ये काम कर रहे हैं वो अब धीरे धीरे बंदी की कगार पर आ गया? इस हिसाब से चला तो बंदी करना पड़ेगा, इससे बेहतर मजदूरी है। मजदूरी में अकेले आदमी को 300 रुपये मिलते, इसमें सबगर लगे तब भी 300-400 कर पाते हैं, और वो भी जब ग्राहक आता है तो बड़ा परेशान करता है कि आज उधार कर लो कि कल देंगे, फिर उसके बाद हर 3 बार भाग के जाओ, नगद पैसे देने को तैयार नहीं होता। मिट्टी में क्या परिवर्तन हुआ? मिट्टी की मिट्टी भी नहीं सही मिलती है, मिट्टी भी नहीं मिल पाती है। देहात में जाओ तो लोग इनके मतलब ताल लेंगे, जिनकी कस्टडी वो बहुत शहर वालों को परेशान करते हैं कि तुम्हारे कहीं पट्टा हुआ तुम्हारे से मिट्टी लेके आओ। मिट्टी में कितने पैसों का परिवर्तन हो गया? मिट्टी में तो बहुत परिवर्तन हो गया, कम से कम 5 गुना मानो बढ़ गया, और दिया 2 गुना नहीं बढ़ा। दीपावली चल रही है और ये आप दीपक जो बना रहे हो मशीन से बना रहे हो, पहले चाक से बनते थे, तो कितने सालों से ये काम कर रहे हो? 2-3 साल हो गए, और मेरा आगरा वगैरह में तो लगभग 10-20 साल हो गए चलते हुए, मैनपुरी में कम हो गया, 3 साल हैं बना बनाते। बाजार में क्या चाक वाले दीपक की बिक्री कम हो गई है? कम भी नहीं है, ऐसा नहीं, लोग बना नहीं पा रहे तो इससे बन जाता है, और लोग चाइनीज आइटम मांगते हैं, चाइनीज टाइप फैंसी आइटम, इसलिए बना रहे हैं, चाक के कम चल रहे हैं, और पुराने लोग बना नहीं पा रहे हैं, उसमें मेहनत ज़्यादा है, उसमें मेहनत भी कम है, इसकी मिट्टी वैसे बाहर मिल जाती है, इसकी मिट्टी और ताला भी कम हो गए हैं, इसकी मिट्टी तो बाहर से दिल्ली से या यहाँ से आ जाती है, जयपुर वगैरह से। अच्छा, ये जो दिया बना रहे हैं कितने रुपए का जाता है? ये हमारे यहाँ तो 60 पैसे का होलसेल में, वह तो मार्केट में 100 रुपये का बेचते हैं। अच्छा, तो लोग इस दिए को ज़्यादा खरीदते हैं या जो कुम्हार जो अपनी चाक से बनाते हैं देसी दिए, इसको ज़्यादा पसंद करते लोग? जो पुराने ख्याल के लोग हैं बूढ़े वगैरह लोग, वो पुराना चाक वाली मांगते हैं। ये दीपावली नजदीक आने को है, लोग दिवाली मनाते समय मिट्टी के दिए जलाते हैं, तो क्या मानते हैं कि आप मिट्टी के दीपक आज भी आधुनिक युग में जलाते हैं? आज की डेट में तो मिलते ही नहीं हैं, और पहले जलते थे अब नहीं जलते हैं, अब तो लोग कैंडल का प्रयोग करते हैं और वही लगाते हैं। तो क्यों आखिर आप दीपक क्यों नहीं जलाते हैं? दीपक इसलिए नहीं जलाते हैं क्योंकि मिलते नहीं हैं। ये बताइए, दिवाली का त्यौहार आ रहा है, पहले लोग मिट्टी के दिए जलाते थे लेकिन आप ज़्यादातर कैंडल का प्रयोग करते हैं, आप बताइए आपके घर में क्या आज भी दीपकों का ही प्रयोग हो रहा है? नहीं सर, आज भी दीपकों का प्रयोग नहीं हो रहा है मेरे घर पे या किसी के भी घर पे, क्योंकि तेल आज के टाइम में 100 रुपये किलो है, बहुत महंगा है, तो तेल का प्रयोग तो नहीं करते हैं, तो कैंडल का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, और इसी में हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो कैंडल का ही प्रयोग करते हैं, और इसी में बचत होती है थोड़ी। तो कहीं ना कहीं महंगाई की मार है दीपकों पर? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से अगर घर में हम 25 दिए भी जलाते हैं ना, तो उसमें भी समथिंग 350-400 ग्राम तेल जाता है, वो पड़ता है जाके 50 रुपये का, इतने में पैकेट आ जाता है कैंडल का। ये बताइए, जो दीपावली का त्यौहार अब नज़दीक आ रहा है, पहले लोग घरों में घी के दीपक जलाते थे लेकिन अब ज़्यादातर लोग मोमबत्ती का प्रयोग करने लगे हैं, क्या लगता है आपको, क्या आज भी आपके घर में जो मिट्टी के दीपक वही जला करते हैं या मोमबत्तियों का प्रयोग? हमारे घर में तो अधिकतम हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आसपास नगर में भी प्रयास कर रहे हैं कि अधिकतम लोग घी के और तेल के दीपक जलाएं अपने घरों में। आज वैसे भी भारत सरकार द्वारा आप देख रहे हैं कि स्वदेशी अपनाने का अभियान चल रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि चाइनीज लाइट्स ज़्यादातर लोग प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा राजस्व का भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, दूसरा कुम्हारों को भी बहुत अधिकतम नुकसान हो रहा है, आज उनके उद्योग बंद होने की कगार पर है,
तो हम सभी से ये निवेदन भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, और ये अभियान भी हम ये मैनपुरी नगर के अंदर चलाएंगे कि अधिकतम हम तेल और घी के दीपकों का प्रयोग करें, जिससे कि एक वैज्ञानिकता भी हमें इसके अंदर छुपी हुई है। हम लोग घर के अंदर अपने तेल और घी के दीपक जब जलाते हैं तो इंसेक्टिसाइड्स और जो पेस्ट वगैरह हैं, कीड़े मकोड़े भी हैं, वो हमसे दूर भागते हैं, हमारे घर को स्वच्छ रखते हैं। जबकि हम जब इन लाइटों का, चाइनीज़ लाइटों का और लाइटों का प्रयोग करते हैं तो ये कीड़े मकोड़े हुए हम लोगों घर को, घरों को घेर लेते हैं। दूसरा, इससे अपनाने से हमारा स्वयं का भी लाभ छुपा हुआ है, हमारा राष्ट्र मजबूत होगा तो हम स्वयं भी मजबूत होंगे। इसलिए सभी से निवेदन, कृपया करके अपने घरों में तेल और घी के दीपक जलाएं, और सभी में खुशियां, दिवाली का त्यौहार आर निकट आ रहा है, सभी के घरों में खुशियां व्यापक रूप से फैले, ऐसा सभी से निवेदन करते हैं।